एवरीवन, आज की इस वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फाइलम पॉरीफेरा। तो फाइलम पॉरीफेरा के बारे में मैं जब बात करूं तो आप लोग एक चीज याद रखो कि द मेंबर्स ऑफ फाइलम पॉरीफेरा पजेस ओनली द प्रिमिटिव कैरेक्टर्स। नाउ बिकॉज ऑफ दिस रीजन लर्निंग अबाउट दिस फाइलम बिकम्स एब्सोल्युटली इजी। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ अ टाइम लेट अस डायरेक्टली जंप इनटू द टॉपिक। तो ये जो फाइलम पॉरीफेरा के मेंबर्स है दे आर कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस। और अगर इनकी बॉडी को अगर आप गौर करें तो आपको इनकी बॉडी पे माइन्यूट छोटे 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 पोर्स नजर आते हैं, बिकॉज ऑफ विच वी कैन कॉल द मेंबर्स ऑफ फाइलम पॉरीफेरा एज पोर बेरिंग एनिमल्स। बिकॉज इनकी बॉडी पे आपको छोटे पोर्स नजर आते इसके कारण यू कैन कॉल द मेंबर्स ऑफ फाइलम पॉरीफेरा एज पोर बेरिंग एनिमल्स, राइट। तो इस वीडियो में पहले अपन बात करेंगे इसके हैबिटेट के बारे में। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने कभी फाइलम पॉरीफेरा के किसी भी मेंबर को अपनी सराउंडिंग में देखा है, या फिर हवा में उड़ते हुए देखा है, या फिर कोई गार्डन कोई पार्क में देखा है, योर आंसर विल बी नो, बिकॉज दैट इज नॉट देयर हैबिटेट। द मेंबर्स ऑफ फाइलम पॉरीफेरा आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट। एक्वेटिक हैबिटेट में आपको नजर आते। नाउ व्हेन आई से एक्वेटिक हैबिटेट, ये स्पेसिफाई करना जरूरी हो जाता वेदर दे आर फाउंड इन मराइन हैबिटेट या फिर फ्रेश वाटर हैबिटेट। तो अपनी एनसीईआरटी बोल रही के मोस्टली मराइन हैबिटेट में इन लोग दिखते हैं। नाउ व्हेन एनसीईआरटी इज टेलिंग मोस्टली मराइन, दैट मींस नॉट ऑल स्पॉन्जेस आर फाउंड इन मराइन हैबिटेट, बट मैक्सिमम ऑफ द स्पॉन्जेस आर फाउंड इन मराइन हैबिटेट, वेयर एज देर आर फ्यू स्पॉन्जेस विच आर फाउंड इन फ्रेश वाटर हैबिटेट एज वेल। सो दिस वॉज ऑल अबाउट हैबिटेट, आई होप दिस इज क्लियर। एंड आप लोग एक चीज और याद रखो कि ये स्पॉन्जेस जो है दीज आर ससाइल ऑर्गेनिज्म। ससाइल मतलब वो पानी में तैरते हुए नहीं नजर आएंगे आपको, दे आर अटैच्ड एट वन प्लेस टू द सबस्ट्रेटम, एक ही जगह पर अटैच होंगे एंड दे के नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। सच ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज ससाइल ऑर्गेनिजम्स। नाउ नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप स्पॉन्ज की बॉडी को ऑब्जर्व करें, आपको उनकी बॉडी में कोई भी टिश्यू नहीं दिखता, कोई भी ऑर्गन नहीं दिखता, सिर्फ सेल्स ही दिखते, एंड हेंस वी कैन टेल दैट स्पॉन्जेस हैव सेल्युलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। स्पॉन्जेस में कौन सी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखती है? स्पॉन्जेस पजेस सेल्युलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नाउ नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट सिमेट्री। सिमेट्री के बारे में भी अपनी एनसीईआरटी बोल रही है मोस्टली एसिमेट्रिकल। Sponges are mostly asymmetrical. That means सारे स्पॉन्जेस एसिमेट्री नहीं शो करते, बट मैक्सिमम ऑफ द स्पॉन्जेस शो एसिमेट्री। मैं एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ बोलूंगी दैट मैक्सिमम स्पॉन्जेस जब एसिमेट्री शो कर रहे, देर आर फ्यू स्पॉन्जेस दैट शो रेडियल सिमेट्री। नाउ इफ यू डोंट नो वॉट इज एसिमेट्री एंड रेडियल सिमेट्री, आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन वॉट इज सिमेट्री, मेक श्योर टू वॉच दैट वीडियो सो दैट दिस बिकम्स ईजी। So this was all about symmetry, guys. Now we are going to discuss a statement of NCERT, जहाँ पर अपनी NCERT बोल रही है sponges have a water transport and canal system. तो water transport and canal system से अपन को इतना तो समझ में आ गया कि transportation of water is taking place. But how is this transportation taking place? तो पहले जो है बाहर से पानी body में आता sponge की, then sponge की body से बाहर जाता, so that is how water transportation is taking place. But इसको ना अपन थोड़ा सा detail में पढ़ेंगे, राइट। तो ये समझाने के लिए आई हैव इनकॉर्पोरेटेड दिस इमेज हियर, और ये इमेज जो है दिस इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम। तो ये इमेज आपको एनसीईआरटी में कहीं पर भी नहीं दिखता, आई हैव टेकन दिस इमेज फॉर एक्सप्लेनेशन पर्पस ओनली, ताकि आपको क्लियरली समझ में आए, राइट। नाउ इफ यू ऑब्जर्व दिस इमेज हियर, इसके बॉडी वॉल में आपको छोटे छोटे माइन्यूट ओपनिंग्स नजर आ रहे। नाउ दोज माइन्यूट ओपनिंग्स आर कॉल्ड एज ऑस्टिया, एंड यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग दैट वाटर विल एंटर इनटू द बॉडी ऑफ द स्पॉन्ज ओनली थ्रू दीज माइन्यूट ओपनिंग्स और पोर्स कॉल्ड एज ऑस्टिया। तो एक बार पानी इसके अंदर चले गया तो कहाँ पर जा रहा, अगर आप गौर करें तो एक कैविटी है वहां पर, उस कैविटी में पानी जाता। नाउ दैट कैविटी इज कॉल्ड एज स्पॉन्जोसीट। अब पहले तो पानी देखो बाहर से स्पॉन्ज की बॉडी में अब आ गया। अब स्पॉन्ज की बॉडी से बाहर कैसा जाता, यू विल फाइंड अ सिंगल ओपनिंग एट द टॉप कॉल्ड एज ऑस्क्यूलम। तो पानी अंदर आ रहा थ्रू द हेल्प ऑफ ऑस्टिया, एक कैविटी में आ रहा, दैट कैविटी इज कॉल्ड एज स्पॉन्जोसील, एंड वो स्पॉन्जोसील से बाहर कैसा जा रहा उन्हें थ्रू ऑस्क्यूलम। आई विल रिपीट, वॉटर एंटर्स थ्रू ऑस्टिया इन टू द कैविटी ऑफ द स्पॉन्ज कॉल्ड एज स्पॉन्जोसील एंड इट विल लीव दिस बॉडी थ्रू ऑस्क्यूलम। यूजली बच्चे ऑस्टिया एंड ऑस्क्यूलम में कन्फ्यूज हो जाते। ऑस्टिया से आप लोग याद रखो, ऑस्टिया से पानी अंदर आ रहा, ऑस्क्यूलम से पानी बाहर जा रहा। सो आई होप दिस इज क्लियर। अब ये वाटर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के फायदे क्या है, अपनी एनसीईआरटी तीन फायदे बताइए इसके। फायदा नंबर वन, इट हेल्प्स इन गैदरिंग फूड। फायदा नंबर टू, इट हेल्प्स इन रेस्पिरेटरी एक्सचेंज। एंड फायदा नंबर थ्री, इट हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल, राइट। तो अब यहाँ पर आप मेरे को पूछ सकते हैं कि हाउ इज द फ्लो ऑफ वाटर क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड। नाउ टू एक्सप्लेन दिस आई विल हैव टू इंट्रोड्यूस यू टू अ न्यू टर्म कॉल्ड एज स्क्वानोसाइट्स। नाउ दीज स्क्वानोसाइट्स आर स्पेशलाइज्ड सेल्स विच आर फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ स्पॉन्जोसील एंड द कैनाल सिस्टम। तो अगर आप ये इमेज यहाँ पर गौर करें तो स्पॉन्जोसील जो कैविटी की लाइनिंग अगर आप गौर करें
वहां पर आपको नजर आते हैं क्वानोसाइट्स. नाउ दीज क्वानोसाइट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज कॉलर सेल्स एंड दीज आर स्पेशलाइज्ड सेल्स. अगर मैं आपको एक क्वानोसाइट की इमेज बताऊं तो इट लुक समथिंग लाइक दिस. तो ये क्वानोसाइट को अगर आप गौर करें तो यहाँ पर उसके पास आपको एक फ्लैजेला नजर आ रहा. नो बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ दैट फ्लैजेला वाटर द फ्लो ऑफ वाटर इज क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड. ना उसके अलावा भी क्वानोसाइट क्या करता, जो पानी अंदर आ रहा दैट विल गेट द फूड मटेरियल ऑल्सो अलॉन्ग विद इट. द क्वानोसाइट्स विल कैप्चर दोज फूड मटेरियल्स ऑल्सो. सो दैट इज द फंक्शन ऑफ क्वानोसाइट्स. अभी जैसे अपने पास एक स्केलेटन है, स्पॉन्जेस के पास भी एक स्केलेटन है दैट विल सपोर्ट द बॉडी ऑफ द स्पॉन्जेस एंड दैट स्केलेटन इज मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स एंड स्पॉन्जिन फाइबर्स. तो जैसे कि अपन बोल रहे हैं कि खाना पानी के थ्रू अंदर आ रहा, क्वानोसाइट्स उसको कैप्चर भी कर रहे, तो डाइजेशन भी तो होता. तो अब ये डाइजेशन कैसा हो रहा, द टाइप ऑफ डाइजेशन व्हाट यू फाइंड इन स्पॉन्जेस इज इंट्रासेल्युलर डाइजेशन. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इंट्रासेल्युलर डाइजेशन. इंट्रासेल्युलर डाइजेशन मतलब डाइजेशन विल टेक प्लेस विद इन द सेल. खाना जो भी है सेल के अंदर जाता, सेल के अंदर ही डाइजेशन होता. सच टाइप ऑफ डाइजेशन इज कॉल्ड एज इंट्रासेल्युलर डाइजेशन. आई होप दिस इज क्लियर. आई होप आपको समझ में आया होगा. नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ स्पॉन्जेस. तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझने से पहले अपन को ये जानना जरूरी है कि स्पॉन्जेस आर हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिजम्स. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म. हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिजम्स उन ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं जहाँ पर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स एक ही ऑर्गेनिज्म में आपको दिखते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर ये मेरा हाथ एक ऑर्गेनिज्म है, ये ऑर्गेनिज्म के अंदर ही आपको मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी दिखता, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी दिखता, और ये ऑर्गेनिज्म को अपन हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म बोलते हैं. आई होप दिस इज क्लियर. स्पॉन्जेस के अंदर अपन को टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन दिखते हैं. फर्स्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रैगमेंटेशन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स. तो अब रिप्रोडक्शन हो रहा तो फर्टिलाइजेशन भी तो होता. तो फर्टिलाइजेशन इनके अंदर जो है इंटरनल फर्टिलाइजेशन दिखता अपन को, और इनकी जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब एक बार फर्टिलाइजेशन जब हो जाती तो ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट स्टार्ट होता टू फॉर्म एन एडल्ट, राइट. सो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या होता, द ऑर्गेनिज्म विल हैव टू गो थ्रू डिस्टिंक्ट लार्वल स्टेजेस टू फॉर्म एन एडल्ट. सो सच टाइप ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. और स्पॉन्जेस में जो है द लार्वल फॉर्म इज डिस्टिंक्ट, इज मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एडल्ट फॉर्म. सो दैट वॉज ऑल अबाउट फाइलम पॉरीफेरा. इसके एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी तीन ही दी. फर्स्ट साइकॉन विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज काइफा, सेकेंड इज यू स्पॉन्जिया विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज बाथ स्पॉन्ज, एंड थर्ड इज स्पॉन्जिला विच इज अ फ्रेश वाटर स्पॉन्ज. सो दिस वॉज ऑल अबाउट फाइलम पॉरीफेरा. तो एज यूजुअल अपन क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, तो आज भी क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं. तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज Sponges are option 1 generally marine, option 2 generally fresh water, option 3 mostly radially symmetrical, option 4 tissue grade animals. तो चार ऑप्शन में से ऑप्शन 1 जनरली मराइन इज द राइट आंसर, बिकॉज जनरली फ्रेश वाटर में नहीं दिखते उन लोग. ओनली सम आर फाउंड इन फ्रेश वाटर. ऑप्शन 3 अगर देखें तो दे आर मोस्टली रेडियली सिमेट्रिकल. तो मोस्टली दे आर एसिमेट्रिकल बट सम आर रेडियली सिमेट्रिकल. तो ऑप्शन 3 भी गलत है. ऑप्शन 4 अगर देखें तो दे हैव टिश्यू ग्रेड एनिमल. दे आर टिश्यू ग्रेड मतलब उनके पास सेल्युलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ना कि टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट. तो ऑप्शन 4 भी गलत. तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर एंटर्स स्पॉन्जो सील थ्रू. दिस इज द वेरी डायरेक्ट आंसर. इसका आंसर आपको शायद पता भी होगा. ऑप्शन 1 ऑस्क्यूलम, वाटर लीव्स थ्रू ऑस्क्यूलम. ऑप्शन 2 क्वानोसाइट्स, नहीं. ऑप्शन 3 ऑस्टिया, ऑस्टिया इज द राइट आंसर. ऑप्शन 4 स्पॉन्जो सील, नहीं. तो ऑप्शन 3 ऑस्टिया इज द राइट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डाइजेशन इन स्पॉन्जेस इज फर्स्ट एक्स्ट्रासेल्युलर, इंट्रासेल्युलर, आउटसाइड द बॉडी, इंटरसेल्युलर. तो ये भी बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है. सेकंड ऑप्शन इंट्रासेल्युलर इज द राइट आंसर. नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्रेश वाटर स्पॉन्ज. तो इसका फर्स्ट ऑप्शन इज काइफा विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज साइकॉन. सेकेंड ऑप्शन है यू स्पॉन्जिया जिसको अपन बाथ स्पॉन्ज भी बोलते हैं. थर्ड ऑप्शन है साइकॉन विच इज नथिंग बट स्काइफा. तो फर्स्ट और थ्री ऑप्शन सेम है, तो यू कैन एलिमिनेट दोज ऑप्शन. देन ऑप्शन 4 इज स्पॉन्जिला विच इज अ फ्रेश वाटर स्पॉन्ज. तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर. आई होप दिस सेशन वॉज हेल्पफुल गाइज. इफ इट इज प्लीज गिव इट अ लाइक, डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आर चैनल. अंटिल देन बाय बाय.